हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी लगने का रास्ता साफ। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने लगाई मुहर। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1,61,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। 24 घंटे में 879 लोगों की जान गई। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। ब्राजील को पीछे छोड़ा। दुनिया में हर 6 संक्रमण में एक भारत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 51,751 नए मरीज मिले। 258 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 43 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा फैसला। हर जिले के कुल फंड का 30% अब कोरोना के इलाज पर खर्च होगा। दिल्ली में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 72 मरीजों की जान गई। दिल्ली में अपोलो और गंगाराम समेत 14 निजी अस्पताल अब पूरी तरह कोविड डेडिकेटेड होंगे। अगले आदेश तक किसी गैर कोरोना मरीज को भर्ती नहीं कर पाएंगे ये अस्पताल। दिल्ली में 19 निजी अस्पतालों को अपना 80% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के लिए कहा गया। 82 अस्पतालों में 60% आईसीयू बेड पर सिर्फ कोरोना मरीजों का होगा इलाज। दिल्ली हाईकोर्ट से हजरत निजामुद्दीन की मस्जिद को राहत। कोरोना नियमों के पालन के साथ खुली रहेगी मस्जिद। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में डराने वाली तस्वीर सामने आई। खुले आसमान के नीचे रखे मिले 40 से ज्यादा शव। मॉर्चरी में नहीं थी जगह। भोपाल में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगा कंप्लीट लॉकडाउन। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। हरियाणा में अगले आदेश तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 13,685 नए मामले मिले। 72 लोगों की जान गई। आज से गुजरात का साबरमती आश्रम बंद रहेगा। कोरोना केस बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। सूरत में कोरोना के बीच शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लॉरी में अपनी मां का शव लेकर शमशान पहुंचा बेटा। वेंटिलेटर नहीं मिलने से हुई थी मौत। सूरत में कोरोना से बढ़ रही मौत की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन शमशान शुरू करने का आदेश। मुख्य शमशान गृहों में 24 घंटे शवों के अंतिम संस्कार जारी है। भोपाल के में डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस के एमएलए पीसी शर्मा पर मुकदमा दर्ज। जेपी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 960 मामले सामने आए। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र का आगाज। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में पुजारियों ने की सुबह आरती। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद है। झंडेवालान मंदिर का मेन गेट किया गया बंद। गेट पर नोटिस लगाकर कपाट बंद करने की जानकारी दी गई। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में ऑनलाइन पास के बाद ही श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। दर्शन के लिए टाइम स्लॉट तय। सीमित संख्या में लोगों को मिल रही है एंट्री। नवरात्र पर मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। मां की भक्ति के आगे कोरोना के सारे नियम कानून फेल हुए। कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर में दर्शन से पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। बैसाखी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने की अरदास। पवित्र सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। पीएम मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। बैसाखी उगड़ी सजीबू चेईरावा गुड़ी पर्वा और नवरेह की शुभकामनाएं दी। त्योहारों पर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस। धर्मस्थलों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और घरों में ही पूजा पाठ करने की अपील की। मेरठ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले कमिश्नर। कोरोना काल में रमजान के मौके पर खास सावधानी बरतने का निर्देश दिया। कहा धर्मस्थलों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को करेंगे बैठक। राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ है ये मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा खत। मंजूरी मिल चुके सभी वैक्सीन को लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए कहा। सोनिया ने पीएम के सामने 3 मांग रखी। कहा उम्र के बजाय जरूरत के मुताबिक ली जाए वैक्सीन। लोगों को 6,000 की आर्थिक मदद की मांग भी की। देश में अब तक 10,85,00,000 लोगों को मिला वैक्सीन का टीका। कल करीब 37,00,000 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। चुनाव आयोग के खिलाफ आज कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगे सीएम ममता बनर्जी। अपने चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के बैन लगाने का करेंगे विरोध। चुनाव आयोग ने ममता के प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। आज रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी। चुनाव आयोग ने ममता को बयान में संयम बरतने की चेतावनी दी। कहा ऐसा बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। ममता ने अर्धसैनिक बलों को लेकर दिया था विवादित बयान। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता पर लगे बैन को लोकतंत्र का काला दिन बताया। जब हमें हरा नहीं सकते तो बैन का लिया सहारा, अपने गले पर लगाई तख्ती। बीजेपी ने कोलकाता और आसपास की 40 सीटों के लिए प्रचार की नई रणनीति बनाई। आज अभियान को लॉन्च करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह आज से कोलकाता में नुक्कड़ सभाओं की कर सकते हैं शुरुआत। दमदम और बड़ा नगर की सभाओं में रहेंगे मौजूद। बंगाल में अमित शाह का आज धुआंधार प्रचार। दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी और विधाननगर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। उत्तरी दिनाजपुर में रोड शो भी है। आज से रायसीना डायलॉग कार्यक्रम। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 50 देशों के 50 स्पीकर वर्चुअली रखेंगे अपने विचार। 16 अप्रैल तक चलेगा संवाद कार्यक्रम।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से आज सीबीआई करेगी पूछताछ, नोटिस देकर बुलाया है। एंटीलिया केस में को मॉनिटर कर रहे एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला का हुआ तबादला, ज्ञानेंद्र वर्मा होंगे एनआईए के नए आईजी, अनिल शुक्ला दिल्ली पुलिस में करेंगे वापसी। लखनऊ में खड़ी कार की फ्रंट सीट पर महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप, पुलिस के मुताबिक शख्स ने महिला को गोली मारने के बाद खुद अपनी जान ले ली। ग्वालियर में कोरोना मरीजों के परिवार वालों का हंगामा, अस्पताल से कॉल कर मौत की खबर दी गई, परिवार वालों के पहुंचने पर नहीं दी गई कोई जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ रेप के आरोप में 5 गिरोह की गिरफ्तारी, रेप का वीडियो बनाने और ऑनलाइन शेयर करने का भी आरोप है। जापान सरकार का बड़ा फैसला, फुकुशिमा परमाणु प्लांट हादसे के बाद प्रशांत सागर में छोड़ा जाएगा ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर। जापान सरकार के इस फैसले का विरोध, टोक्यो में प्रधानमंत्री के दफ्तर के सामने प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ हुई नारेबाजी। अमेरिका के मिनोपोलिस में अश्वेत युवक की हत्या के बाद लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, कर्फ्यू लागू होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। मिनेसोटा में अश्वेत को गोली मारने के बाद पुलिस की सफाई, कहा पुलिस का मकसद टीजर गन चलाना था लेकिन गोली चल गई। अमेरिका में टेनेसी के हाई स्कूल में फायरिंग, पुलिस पर फायर करने वाले छात्र को ढेर किया, एक पुलिसकर्मी जख्मी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।